श्री हर कृष्ण ते आई, जिस डिठी सब दुख जाए। श्री हर कृष्ण ते आई, जिस डिठी सब दुख जाए। श्री हर कृष्ण ते आई, जिस डिठी सब दुख जाए। सिख धर्म के अरदास की ये पंक्ति सिखों के आठवें गुरु गुरु हर कृष्ण जी को समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली के गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में, जो सिख समुदाय की आस्था का केंद्र है। तो आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं यहाँ के बारे में। नई दिल्ली के गोल मार्केट पर स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। 2017 के एक डेटा के मुताबिक ये गुरुद्वारा दिल्ली के बेस्ट टूरिस्ट एंड पिलग्रिमेज स्पॉट में नंबर 1 रैंक पर है। सिर्फ सिख ही नहीं, देश विदेश से अलग अलग धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोग भी इस पवित्र स्थान पर माथा टेकने आते हैं। सिर्फ टूरिस्ट की नजर से ही नहीं, गुरुद्वारा बंगला साहिब इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिखों के आठवें गुरु गुरु हरिकृष्ण सिंह जी इस स्थान पर अपने दिल्ली प्रवास के दौरान रहे और यही उनका स्वर्गवास हुआ। पहले ये स्थान जयपुर के महाराजा जय सिंह का बंगला था, जिसे 1783 में गुरुद्वारे के रूप में सरदार भगेल सिंह ने स्थापित किया। आठवीं पातशाही गुरु हरिकृष्ण जी सिखों के सबसे छोटी उम्र के गुरुओं में से एक थे। उन्होंने 5 साल की कम उम्र में गुरु गद्दी संभाली थी। सन 1664 में जब गुरु जी दिल्ली आए, तब यहाँ चेचक और हैजा की बीमारी फैली हुई थी। तब गुरु जी ने रोगियों की सेवा की और उन्हें दवाएं, खाना और कपड़े उपलब्ध कराए। रोगियों के संपर्क में आने से उन्हें स्वयं चेचक निकल आई और सिर्फ 7 की उम्र में 30 मार्च 1664 को वो स्वर्ग सिधार गए। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अरदास में लिखा है कि श्री हरि कृष्ण धियाइए, जिस दिथे सब दुख जाए, यानी इनके नाम के स्मरण मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसी पानी से गुरु जी ने रोगियों की सेवा की थी। बाद में सरोवर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया। कहते हैं सरोवर का जल पवित्र होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर है। जो श्रद्धालु सच्चे मन से सरोवर के जल से स्नान करता है, वो अपने रोगों से मुक्ति पा लेता है। बात करें लंगर सेवा की, तो यहाँ रोज लगभग 40,000 लोग गुरु का लंगर चखते हैं, जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और दिल्ली से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में भी यहाँ से लंगर पहुँचाया जाता है। एक बात और है कि किसी श्रद्धालु से कोई सवाल नहीं किया जाता, वो चाहे तो लंगर चख सकता है और चाहे तो गुरु का लंगर बनाने खिलाने की सेवा भी कर सकता है। यहाँ के लंगर सेवा को इंग्लैंड में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। इंसान को इंसान से जुड़े रखने की परंपरा सिख धर्म में सदियों से चली आ रही है। ये ना अमीर देखता है और ना गरीब, बस सभी को प्यार से रखना सिखाता है। और इस तरह दुनिया के सभी गुरुद्वारे सिख धर्म और मानवता को बचाए रखे हैं। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि कभी बिजी जिंदगी से समय निकालकर यहाँ माथा टेकने जरूर आए और इस पॉजिटिव वातावरण को महसूस करें। धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।